आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है और ये गर्व मुझे आप ही लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 58% से 93% दिल्ली के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया कोने कोने के अंदर। और आज 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कोने कोने में हम लोग पानी पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। दुनिया भर के मुल्कों ने न जाने कैसे कैसे अत्याधुनिक एयरपोर्ट बनाए, लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया का पहला स्विमिंग पूल एयरपोर्ट बनाया गया है। यात्री यहां लैंड करने के साथ साथ स्नान भी कर सकते हैं। दिल्ली में एक रात बादल के अबर से दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े विमान सोच रहे हैं कि उड़कर जाएं या फिर तैरकर। दिल्ली की सड़कें जल समाधि ले चुकी हैं। जो लोग कल तक कार खरीदने का प्लान कर रहे थे, वो अब नाव खरीदने के लिए लोन फॉर्म भर रहे हैं। सूत्रों की माने तो लोग दो दो नाव खरीदना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता कल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गाड़ियों की तरह नाव चलाने में भी ओड और इवन का फॉर्मूला लागू कर दें। वैसे दिल्ली के सियासी गलियारों में सत्ताधारी पार्टी की ओर से ये खबर फैलाई गई है कि फ्री का बिजली पानी लेने वाले चाहे तो बचत के पैसों से नाव खरीद सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आदमी गिर पड़ा, लेकिन असल में ये आदमी दिल्ली के देशभक्ति बजट से लंदन बन चुकी राजधानी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता है। सड़क के साथ साथ पुल में चलने का मजा, ऐसा भला आज तक किसी मुल्क की सरकारें नहीं कर पाई और अपनी केजरीवाल जी तो दिल्ली को और भी बुलंदियों पर ले जाने वाले हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रगति मैदान की हैं। बस नाम का ही प्रगति मैदान था, असली प्रगति तो अब हुई है। प्रगति मैदान में दिल्ली सरकार ने वाटर किंगडम पार्क खोला है। यहाँ एडवेंचर्स राइड्स के साथ साथ आपको आपदा को अवसर बनाने की तसल्ली बख्श ट्रेनिंग दी जाती है। केजरीवाल सरकार की अपील है कि सेवा का मौका जरूर दें। अब ये देखिए, जलने वाले कहेंगे कि पानी भरा है, लेकिन आप ये देखिए कि इतनी बारिश में भी ये फ्लाईओवर कैसे खड़ा है। आप तेज बारिश नहीं, फ्लाईओवर की मजबूती देखिए, वो क्या है ना, काम बोलता है। आपको विकास देखना है तो यहाँ देखिए, विरोधियों को तो सिर्फ जल भराव ही दिखाई देगा, लेकिन केजरीवाल का बनाया मोहल्ला क्लिनिक किसी को नहीं दिखेगा। वैसे ये मोहल्ला क्लिनिक तो काफी वक्त से बंद है, लेकिन दिल्ली की बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। सरकार के अनथक प्रयासों के कारण दिल्ली की जनता को खतरों के खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुंडका अंडरपास पर इस नौजवान बाइकर ने उफनती नदी के भीतर से खुद की और अपनी बाइक की जान बचाकर देश दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन कर दिया। दिल्ली सरकार जल्द ही नामों की घोषणा करने वाली है। दिल्ली के कुछ इलाकों में लोग पानी की किल्लत की शिकायत कर रहे थे। लोग शिकायत कर रहे थे कि बर्तन धोने का भी पानी नहीं है, इसलिए मोदी जी ने 18-18 घंटे और केजरीवाल जी ने 19-19 घंटे मेहनत करके पानी की नदियां बहा दी। अब ये दुकानदार सिर्फ बर्तन ही नहीं बल्कि पूरा फूड काउंटर ही आसानी से पानी में धो पा रहा है, और वो भी रगड़ रगड़ कर। बताइए भला इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। गंगा जी अपनी छोटी बहन यमुना से मिलने दिल्ली आ पधारी हैं, और यहाँ लोग गंगा जमुना के पवित्र पानी में स्नान करके अपने सारे पाप धो रहे हैं। चाहे तो केजरीवाल और मोदी जी भी डुबकी लगाकर अपने पाप धो सकते हैं, और केजरीवाल जी को इस उपलब्धि पर बेहद गर्व है। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, और ये गर्व मुझे आप ही लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है
कि 58% से 93% दिल्ली के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया कोने कोने के अंदर। और आज 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कोने कोने में हम लोग पानी पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। आप भी गर्व कीजिए, क्योंकि ऐसी सरकारें आपने ही तो चुनी हैं। गर्व महसूस करते करते हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि सरकार का गला तो आप नहीं दबा सकते। दिल्ली वाले डूबने से बच गए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों। कीप एंजॉइंग।